पढ़ो। मैं चलती रहे ये जिंदगी, बढ़ता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से। आप लोग भी यकीनन जश्न आज़ादी मना रहे होंगे और हमारे मुल्क को वजूद में आए हुए 75 साल हो चुके हैं, तो और भी खुशी का मौका है कि माशाल्लाह अभी भी हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। अब महंगाई तो है, कुछ मसले भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद रखा है। शुक्र अल्लाह तेरा कि हम किसी की ग़ुलामी में नहीं हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अब ये बच्चों की पहली जश्न आज़ादी है जिसमें इनको कुछ समझ आ रहा है, इनको मैंने कुछ मिली नगमे याद करवाएं, कुछ बताया इनको थोड़ा बहुत। अभी इतनी इस स्टेज पे नहीं है बच्चे कि बच्चों को कुछ समझ आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही हम बच्चों को गाइड करेंगे। और ये देखें अब्रिश भी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है फ़र्स्ट टाइम। अब्रिश की तो पहली 14 अगस्त है, बाकी दूसरों की तो सेकंड थर्ड है, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं थी पिछले साल, लेकिन इस साल इनको कुछ समझ आई है कि 14 अगस्त क्या होती है, क्यों मनाते हैं, क्या करते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को हम समझाएँगे इंशाल्लाह। और मैंने सोचा कि इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहिए, इसलिए मैंने बच्चों के लिए ये बैंड ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, तो जो हो सका वो मैंने किया। और बच्चों को फ्लैग्स इसलिए नहीं दिलाए कि बच्चे बेद भी करते हैं, फ्लैग्स को पाँव में ले लेते हैं, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, तो इसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो झंडे की एक इज़्ज़त होती है उसके हमें करनी ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चे बहुत खुश हैं और खेल रहे हैं माशाल्लाह और अपनी 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा जल्दी से माश की दाल बना ली जाए, और ये बहुत यम्मी बनती है माश की दाल, खड़े मसाले वाली, और रोटियां बना ली हैं। फिर मैंने सोचा रात में कुछ सेलिब्रेशन के लिए कुछ अच्छा सा मैं बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यही है दोपहर के खाने के लिए। और मैंने आज ख़ास 14 अगस्त के लिए ये यम्मी से कोकोनट लड्डू बनाए हैं, जिसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पे दे दी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगी। और ये मैंने बनाई थी चिकन बोनलेस यमी बिरयानी, कराची बिरयानी, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह फिर कभी दे दूंगी। बस यही रहा हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।